मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। प्रदेश में 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। उनकी शपथ लेने के साथ ही दूसरे दिन यानी मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव नए बने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। बैठक में सीएम यादव ने नए मंत्रियों से पसंदीदा कामकाज पूछे, साथ ही आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। पहली बैठक थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें प्रशिक्षण दिया है नए लोगों को सादगीपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगाएं, और जो नवीन विद्यार्थियों को सिखाया जाता है वो सीनियर प्रोफेसरों ने, जो महाविद्यालय के सीनियर बोले थे प्रोफेसर, वो नए विद्यार्थियों कैसे सिखाते वो सीखने को मिला है। और आगे मध्य प्रदेश के विकास में आगामी योजनाओं को लेकर के और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के विभागों का निश्चित रूप से एक दो दिन में बंटवारा हो जाएगा, और जो जिसको विभाग मिलेगा उसमें हम तन्मयता से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रदेश के विकास में काम करेंगे। धन्यवाद जी। काफ़ी सीनियरों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका अनुभव मिलेगा, काफ़ी सीनियरों का अनुभव, उनके पास अनुभव का भंडार है, उसको अनुभव को का लाभ लेकर के मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नीचे तो तरुण नीचे एक अनौपचारिक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी, और वह बैठक विशुद्ध रूप से परिचयात्मक बैठक थी। सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और साथ ही साथ भविष्य की कार्य योजना पर विमर्श हुआ। हम सब का लक्ष्य 2024 में लोकसभा की 29 विधान लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले समय में हम सब काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।